हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं और आपको हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अलग अलग कंट्रीज के लिए है वो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि हमारे चैनल की जो रीच है वो बढ़ सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी को हेल्प कर सकें। तो देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा, जर्मनी को लेके। जो ये टॉपिक है, ये रिवाइज्ड ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट है उसके बारे में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट है वो रिवाइज हो गया है। 1 सितंबर ऑनवर्ड्स जो अमाउंट जो पहले 11,208 यूरोज होता था वो बढ़ के 11,904 यूरोज हो गया है। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि हम लोगों ने तो पहले ही अपॉइंटमेंट के लिए वेट लिस्ट में डाला हुआ है और हम लोग ब्लॉक अकाउंट ओपन करके बैठे हुए हैं पुराने अमाउंट के साथ, विच इज 11,208 यूरो। तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, बहुत सिंपल आपको आंसर दूंगा मैं फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जो हम लोगों ने पास्ट में भी, जब ब्लॉक अकाउंट जो था मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले भी ये अमाउंट रिवाइज हुआ था, उस टाइम जो हम लोगों ने दिक्कतें फेस की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ, उसके बेसिस पे मैं आपको गाइड करूंगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए ताकि क्लैरिटी मिले आपको। देखिए, होगा क्या कि आपको अपॉइंटमेंट ऐसे भी जो मिलेगी, अब मेरे को जो लग रहा है 28-29 अगस्त के आसपास है हम लोग, तो आपकी अपॉइंटमेंट सितंबर में आएगी, विच विल बी 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, विच मीन्स जो नया ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। अब जब नए ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट इम्प्लीमेंट हो गया है तो ऑब्वियसली जर्मन एम्बेसी एक्सपेक्ट करेगी कि उनके पास जो भी वीजा एप्लीकेशन फाइल्स आए वो नए ब्लॉक अकाउंट के अमाउंट के साथ आए। इन केस कोई भी स्टूडेंट, ये पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको, पुराने वाले ब्लॉक अकाउंट के अमाउंट के साथ अपनी वीजा फाइल अगर लगा देता है, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि एम्बेसी अपनी तरफ से वीजा फाइल सबमिशन के बाद उन स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करेगी और उनको 15 दिन या 20 दिन का टाइमलाइन देगी और बोलेगी कि बचा हुआ अमाउंट जो आपके ब्लॉक अकाउंट में है उसको वापस से जमा कराइए और प्रूफ दीजिए हम लोगों को नए ब्लॉक अकाउंट के सर्टिफिकेट के साथ, जो कि आप आराम से जब डिपॉजिट करते हैं तो 2-3 दिन के बाद फिंटिबा वगैरह के आपके पोर्टल पे आ जाता है। देखिए, ब्लॉक अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो हम लोग भी नीचे एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स है ब्लॉक अकाउंट को लेके। तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आपने अभी तक ब्लॉक अकाउंट ओपन नहीं किया है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ सितंबर में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि 1 सितंबर या उसके बाद ही आप ब्लॉक अकाउंट खोलें और नए अमाउंट को ही डिपॉजिट करें। नहीं तो अननेसेसरली देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी वीजा एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में डिले हो जाएगा। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि अगर ब्लॉक अकाउंट पुराना वाला अमाउंट आप डाल रहे हैं तो वीजा एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज हो जाएगी, वीजा रिफ्यूजल आ जाएगा, बिकॉज हमारे साथ पास्ट में ऐसा नहीं हुआ था। हमारे करीब कुछ 4-5 स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ था कि उनको मेल आई थी और एम्बेसी ने रिक्वेस्ट किया था कि रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, बट स्टिल रिस्क मत लीजिए किसी भी तरह का, क्योंकि जर्मन एम्बेसी और जर्मनी की तरफ से जो भी एक्शन हो रहे हैं वो थोड़ा पिक्यूलर चल रहे हैं और कुछ स्ट्रीमलाइन अभी उतने नहीं है, सिस्टम सेट हो रहा है। तो किसी भी तरह के एक्शन से जिससे आपको रिस्क है आपके वीजा रिफ्यूजल आने का, उसको आप अवॉइड कीजिए। आई होप वीडियो पसंद आया। अगर आप भी जर्मनी में जाके पढ़ने वाले हैं या किसी और कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए, विल ट्राई एंड आंसर बैक एज सून एज पॉसिबल। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।